तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना। तो आज हमने स्टेला की है डीवॉर्मिंग, तो मैंने सोचा आपको भी बता दिया जाए। तो आज स्टेला हो गई है 2 मंथ की और इसका 5 kg वेट है। और 5 kg के हिसाब से कितना ml इसको देना चाहिए हम आगे बताएंगे। क्या हुआ? वीडियो बना रहा हूँ, देखो लोग देख रहे हैं, ऐसे नहीं करते स्टेला। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने इसको कितना डीवॉर्मिंग कौन सी दी है और कितने ml दिया है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा और आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो स्टेला को हमने छोड़ दिया है वो थोड़ा फिरने के लिए। अभी इसको मतलब अभी मेरे को लगता है ये पॉटी करेगी, थोड़ा थोड़ा घूमने लगी थी। स्टेला अच्छा स्टेला अच्छा कैमरा पकड़ती है आके हमेशा। ये देखो, अभी मैं इसको, इसका डॉग बाइट भी काफ़ी कम हो गया, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसका जो डॉग बाइट है वो रिड्यूस करें। नो स्टेला सिट। ओह गुस्सा देखो, बहुत शैतान है। तो अभी इसका वेट है 5 kg, तो हम इसको 5 ml डीवॉर्मिंग दें बाकी। तो अभी इसका वेट है 5 kg, तो हम इसको 5 ml देंगे, मतलब वेट के हिसाब से डीवॉर्मिंग का लिक्विड देना होता है। तो ये हर मंथ के बाद वेट करना है, और कुछ टाइम बाद जब इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर 2 मंथ का गैप इतना डालना होता है। तो फिर उसके हिसाब से इनको डीवॉर्मिंग करनी होती है। और ज़रूरी है डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन करवानी, जब वैक्सीनेशन करवाऊंगा तब भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इसको डीवॉर्मिंग हमने कर दिया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो अभी आपको लिक्विड भी दिखाऊंगा कौन सा मैंने डीवॉर्मिंग के लिए यूज़ किया है, और मैंने खुद ही घर पे भी आप दे सकते हैं, और डीवॉर्मिंग तो आराम से घर पे कर सकते हैं। स्टेला हाँ, अभी तो फिलहाल दोनों को करवाने आया हूँ मैं वॉक। ये देखो, एक साइड इधर जाती है, एक इधर साइड जाती है। देखो तो स्टेला, हाँ बढ़िया शॉट है। तो अभी यहाँ पे जर्नी है, तो रूबल भी यहाँ पे आ गया है, तो रूबल इसको संभाल लेता है, मैं इसको संभाल लेता हूँ। रॉस को अभी घर पे है, उसके थोड़ी स्किन एलर्जी हुई तो इसलिए वो इसके साथ नहीं है। स्टेला अभी नेट भी बंद है तो व्लॉग कल आएगा, यहाँ पे कुछ पंगा हुआ है। चलो तो स्टेला के आने का ये फायदा हुआ है कि जैनी थोड़ा ज्यादा वॉक कर लेती है उसके पीछे। ओ स्टेला थोड़ा दूर चली गई है, जैनी इसको आ रही है पीछे पीछे आराम आराम से। ये मस्त है, वो तेज है। अभी हम इसको थोड़ा सा ना रेत पे चला रहे हैं, क्योंकि इनको रेत पे चलाना इनके पाँव के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे सारी सड़क है, थोड़ी सी रेत पड़ी थी तो हमने चलवाया यहाँ पे। तो गार्डन में भी कभी कभी लेके जाएंगे, अभी अंदर काफ़ी बच्चे वगैरह हैं, तो इसलिए इसको यहीं पे थोड़ा सा चलवा रहे हैं। तो अभी घूम फिर के हम आ चुके हैं, वॉक करवा ली है दोनों को, और शाम के बज गए हैं 6:30। यहाँ पे अभी दिन है, अभी इनकी धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो गई, तो दिन भी लंबे हो गए। तो अभी हम बताएंगे हमने उसको कौन सी मतलब डीवॉर्मिंग कौन से लिक्विड से करवाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये यूज़ किए है डीवॉर्मिंग के लिए, इसका हमने इसको 5 ml दिया है, क्योंकि इसका वेट है 5 kg, तो वेट के हिसाब से देना होता है। अगर 10 kg का होता तो 10 ml दे देते। तो होता क्या है, इसको हर मंथ के बाद देना है जब तक ये पपी है। जैसे इसकी एज बढ़ेगी तो हमने मंथ को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसे अभी जैनी के 3-3 महीने के बाद डीवॉर्मिंग होती है, अभी हम उसे कैप्सूल देते हैं, वैसे इसको हम लिक्विड देते हैं ताकि इसका पेट जो है डिस्टर्ब ना हो जाए, तो हम इसको लिक्विड देते हैं। तो डीवॉर्मिंग आपको हर मंथ के बाद करनी है अभी पपी की, उसमें कोई भी डिले नहीं करना है। वैक्सीनेशन भी प्रॉपर करनी है, उसमें भी कोई डिले नहीं करना है, क्योंकि पपी का वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको हमेशा, चाहे उसको रिमाइंडर लगा लें, चाहे कुछ कहीं पे लिख लें,
टाइम टू टाइम आप इसकी वैक्सीनेशन करते रहिए और डीवॉर्मिंग भी करते रहिए। तो अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी लाएंगे, और जेनी और स्टेला के साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, जल्द ही हम रेगुलर भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।